कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये निकल गया मिस्टिक सीकर बंडल। दोस्तों आसानी से मिस्टिक सीकर बंडल निकल गया जीरो डायमंड में। जीरो डायमंड में तुम भी निकाल सकते हो। बस तुम लोगों को यार ये वीडियो पूरी देखनी है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हारा भी ये बंडल आराम से निकल जाएगा भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर फ्री फायर लवर हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना। एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है भाई, और इस चैनल पे ऐसी वीडियो मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज लाया हूँ मिस्टिक सीकर बंडल जीरो डायमंड्स में कैसे निकालते हैं। मतलब यार जीरो डायमंड द्वारा मिस्टिक सीकर बंडल निकल जाएगा। ओपी वाला बंडल है जो शुरुआत में तुमने देखा होगा खुलते हुए। तो भाई तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मेरे पास डायमंड हैं, वैसे 300 डायमंड हैं, 300 कुछ डायमंड हैं, लेकिन यार मैंने वो डायमंड बिल्कुल खर्च नहीं कर रखे हैं, क्योंकि यार वो बंडल आ रखा है मैजिक क्यूब में। तो मैं दिखा देता हूँ, ओपी वाला बंडल आ रखा है मैजिक क्यूब में। देखो तो यहाँ पर मैंने मैजिक क्यूब वाला खोल दिया। तो यार देखो कहाँ पर होता है मैजिक क्यूब, ये किसी को पता नहीं है। तो देखो नॉर्मल आर्मर क्रेट्स, उसके बगल में गिफ्ट, लास्ट में रिडीम वाला ऑप्शन आ रहा है। रिडीम में मैजिक क्यूब ये दिख रहा है तुम्हें इधर पे। ये है बंडल मिस्टिक सीकर। ये बंडल पहले नहीं था, अभी आ चुका है। जिसको पता नहीं है उसने वीडियो देख ली होगी। तो मेरे पास एक मैजिक क्यूब मैं हमेशा रखे रहता हूँ, मतलब बचा के कोई अच्छा बंडल आता है तो वो निकालूंगा करके। तो देखो भैया इसका टोपा, इसके यार लुक देख लो कितना तगड़ा है। मतलब कितना ओपी वाले कपड़े हैं भैया, ऊपर का देख लो कितना तगड़ा रहा है। नीचे की पैंट भी यार इतनी मस्त है, किसी के पास साथ भी सूट जाएगी, और जूते भी अच्छे हैं। और देख लो कौन कौन से बंडल आए हैं ये भी दिखा देता हूँ, और कौन कौन से बंडल मैजिक क्यूब में ये भी दिखा देता हूँ। पूरा बंडल ओपी वाला लग रहा है यार मिस्टिक सीकर का, तो बिल्कुल ओपी वाला बंडल। और कौन से बंडल आए हैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो एक लड़की का है ये सीकर वाला, और ये है हाइपर बनी, ये तो लड़कियों के हैं। लड़के के एक ये बंडल है, ये भी ठीक ठाक ही है, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। और ये देन नेन बीस्ट वाला बंडल, नियान बीस्ट वाला बंडल, ये भी बढ़िया है यार। ये और वो दोनों बंडल मेरे को अच्छे लगे, लेकिन मैंने ये नहीं निकाला, वो वाला निकाला, क्योंकि मिस्टिक सीकर वाला ज़्यादा अच्छा बंडल है। ये पुराना बंडल है नियान बीस्ट वाला, लेकिन मिस्टिक सीकर वाला भी यार ओपी वाला बंडल है। वो भी डायमंड रॉयल में आया था, ये भी डायमंड रॉयल में आया है। और एक और है, देखो ये तो मेरा निकल चुका है, ये वाला नहीं निकला है देखो, लेकिन ये अच्छा नहीं है भाई। मिस्टिक सीकर ही निकालूंगा मैं, या यार वाला निकालूं जो नियान बंडल है। नहीं यार वैसे मिस्टिक सीकर अच्छा लग रहा है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। नियान बंडल नहीं निकालूंगा, मिस्टिक सीकर ही निकालूंगा, क्योंकि मिस्टिक सीकर बढ़िया लग रहा है भाई। तुम लोग एक मैजिक क्यूब तो तुम्हें मिल ही जाता है, क्योंकि यार फ्री फायर ऐसे इवेंट लाते रहता है जिसमें मैजिक क्यूब के फ्रैगमेंट ही मिलते हैं। तो यार वहाँ से एक मैजिक क्यूब हमेशा बना लेता हूँ मैं, और तुम भी बना लो। वो इवेंट शायद दिवाली में आ सकता है वापस। तो देखो यहाँ पे खुल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन हो के। डायमंड इसमें बिल्कुल खर्च नहीं होते मेरे भाई मैजिक क्यूब करने में। मैजिक क्यूब अगर डायमंड रॉयल में किस्मत से निकल जाता है एक मैजिक क्यूब, वैसे तो पहले तो निकलता था, आजकल निकलता ही नहीं है। आजकल क्यूब फ्रैगमेंट ही निकलते हैं, फ्रैगमेंट जोड़ जोड़ के 100 करके मैजिक क्यूब निकालते हैं। अभी मेरे पास और 18, 19, 18, 20 हैं। तो भाई ये निकल गया बंडल ओपी वाला, तो भाई तुम भी ऐसे ही निकाल लेना, तुम्हारे पास पड़ा होगा। तो ये वाला अच्छा बंडल है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ, एकदम मस्त है यार, एकदम मस्त बंडल है, तुम भी निकाल सकते हो। डायमंड कुछ खर्च नहीं हो रहे, एक मैजिक क्यूब तो तुमने रखा ही होगा, और नहीं रखा है तो यार अभी से रखे।